कोलारस तहसील के पास लोक सेवा केंद्र में 300 रुपए की रिश्वत लेते हुए मोनू बाथम वीडियो वायरल। जिले के कोलारस तहसील के पास लोक सेवा केंद्र में मोनू बाथम नामक युवक द्वारा आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र जमा करने के उपज में 300 रुपए की मांग की जाती है। अगर 300 रुपए नहीं दिए जाते हैं तो 3 से 4 दिन का समय दिया जाता है और अगर रुपए दिए जाते हैं तो फॉर्म जमा कर लिया जाता है और जल्द ही प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। ऐसा ही वीडियो एक वायरल हुआ है जिसमें एक छात्र से 300 रुपए लिए। साथ ही वीडियो में छात्र ने कहा कि वैसे तो 35 रुपए के लगभग रसीद कटती है लेकिन 300 रुपए देने से फॉर्म जल्दी जमा कर लेते हैं और जल्दी प्रमाण पत्र दे देते हैं क्योंकि 3 से 4 दिन बाद दोबारा बुलाया जाता है तो इतना तो किराया ही लग जाता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में तहसीलदार श्याम बाबू श्रीवास्तव का कहना है कि आप वीडियो भेजिए, मैं कल उसकी जांच कर कार्रवाई करता हूं। तो 120 से 150 रुपया तो वैसे ही खर्च हो जाएंगे और काम कर रही है। अच्छी है तो 300 रुपये ही लेता क्यों एक्स मेरी दोस्ती करा कर लेगा। अच्छा तो मैं दोस्त ने भी कराई है। अब जे 150-200 रुपया बेस किराव खर्चा हो जाता 30-40 रुपये ऐसी काम में। कल 7 दिन बाद आऊँ और अब फॉर्म भरवा लूँ कुछ पैसे नहीं होते तो वही लगता 500 रुपये ही लगता 50-35 रुपये वही करते हैं। धांधली चल रही है क्या? ये सही है तो दम नहीं तो दंग ही नहीं। 7 दिन और 10 दिन लगा 10 दिन लगा लेंगे 7 दिन क्या तो साइड नहीं चल रही। अच्छा बिन की जो मत वही है नहीं है देख ही बचना पड़ता देख ही बचना पड़ता जब तक नहीं करें कर तो देख के वो ऐसा नहीं आज 10 दिन लग रहा था 10 दिन का काम 10 दिन नहीं है तो 15 नाम दो का काम तुम बताओ ठीक है। शाम ही कर जाओ तब। अच्छा तो जी है। प्रणाम जाओ।